सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूँ शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की, वायुसेना के योद्धाओं यानी फाइटर्स प्लेन की ताकत की और साथ ही पायलट्स के कौशल और समझदारी की। एक दिन पहले बाड़मेर में नाइट ट्रेनिंग के दौरान एक MiG-29 क्रैश हो गया, जलता हुआ प्लेन नीचे गिरने लगा, मगर पायलट्स ने अपनी सूझबूझ से प्लेन को खेतों में गिराया। पास में एक बस्ती थी, एक ऑयल डिपो भी था, अगर प्लेन वहां गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आज आपको एयरफोर्स के पायलट्स का कौशल दिखाएंगे, इसके साथ ही चर्चा होगी एयरफोर्स के भरोसेमंद लड़ाके यानी सुखोई की। वैसे अपग्रेड किया जा रहा है सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं बल्कि सेना और नौसेना के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ के नए हथियार और उपकरणों के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत क्या किया जाएगा ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बाड़मेर के मिग क्रैश से। एयरफोर्स ने बताया कि सोमवार की रात यह हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। अच्छी बात यह रही कि प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट ने खुद को एग्जिट कर लिया, दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पायलट ने अपनी जान दांव पर लगाकर एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया। जहां मिग गिरा वहां से करीब ही एक बस्ती है और एक ऑयल डिपो भी है, अगर प्लेन उनके पास गिरता तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन सूझबूझ से पायलट्स ने हादसा नहीं होने दिया। देखिए हमारी रिपोर्ट। बाड़मेर के आसमान में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन MiG-29। ये उड़ान रूटीन नाइट ट्रेनिंग के लिए थी, मगर रात करीब 10 बजे प्लेन में तकनीकी खामी आई और कुछ देर बाद ही आग की लपटों में घिरा प्लेन जमीन पर आ गिरा। आसपास रहने वालों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी, खेतों की तरफ धुआं उठ रहा था। जब लोग मौके पर पहुंचे तो मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया। राजस्थान के बाड़मेर जिले के उत्तलाई एयरबेस स्टेशन के पास में रात्रि के 9 बजे से 10 बजे के बीच में ऐसा बताया जाता है एक MiG-29 है वो क्रैश हो गया है। रात के अंधेरे में प्लेन धू धू कर जल रहा था, पुलिस को खबर दी गई। थोड़ी देर बाद ही एयरफोर्स की गाड़ियां आ गईं, साथ में पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम भी जल्द आई और आग बुझाने की कोशिशें हुई। हालांकि प्लेन पूरी रात जलता रहा, पूरी तरह मलबा बिखरा हुआ है और आसमान से आग का गोला बरसता हुआ नीचे गिरा है और यहां से करीबन 20-22-30 किलोमीटर दूर पीछे विमान तकनीकी खराबी हो गई थी। जलता हुआ MiG-29 जब क्रैश हुआ तो उसका मलबा आसपास बिखर गया, ये बड़ी राहत की बात। से चंद किलोमीटर दूर है वो MPT का एरिया है और चंद किलोमीटर दूर है वो एक कवास करके कस्बा है, वहां पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। लेकिन आप देखिए पायलट की ये सूझबूझ थी कि वहां पर लैंड है वो किस तरीके से ऐसी जगह पर कहे जो फाइटर प्लेन को उतारा जहां पर कहीं पर भी आबादी नहीं थी, ये खेत था। वैसे तो खेत है और एक खेत में फसल बोई हुई है
लेकिन जहाँ हम खड़े हैं वहाँ कोई फसल नहीं है, ऐसे ही अखड़ पड़ा है। अच्छा, ढाणिया है आसपास और कस्बा? ढाणिया थोड़ी काफी दूर है, ये पायलट की सूझबूझ से ही ऐसा हुआ है, नहीं अन्यथा जनानी भी हो सकती। बताया जा रहा है कि जब मिग 29, आपको बता दें कि मिग 29 एक बेहद ताकतवर लड़ाकू विमान है जो अपनी स्पीड और कौशल के लिए जाना जाता है। पिछले करीब 40 सालों से ये वायुसेना का हिस्सा है और वायुसेना इस पर पूरा भरोसा करती है। इसकी खूबियां देखते हुए इसका इस्तेमाल करीब 40 देशों की वायुसेना करती है। समय के साथ साथ इसे कई बार अपडेट भी किया गया है। इसकी रफ्तार करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये करीब 1430 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही 18,000 किलोग्राम वजन ले जाने की क्षमता इसके अंदर है। एक बार उड़ान भरने पर यह 2100 किलोमीटर की रेडियस में हमला कर सकता है। कारगिल युद्ध में इसने 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी सेना की चौकियां उड़ा दी थी। मिग कैटेगरी के कई विमान हैं, मिग 21 और मिग 29 अभी भारतीय वायुसेना के बेड़े में हैं। और अब बात करते हैं वायुसेना का दमदार लड़ाके यानी सुखोई की। सुखोई अरसे से हमारी सीमाओं का सबसे मजबूत प्रहरी रहा है। अब शुभ खबर यह है कि इसे अपग्रेड किया जा रहा है, नए हथियारों से लैस करने के अलावा इसे देश में बने एरो इंजन से लैस करने की योजना है, जिसे अब सरकार से मंजूरी मिल गई है। नए इंजन के साथ न सिर्फ इसकी रफ्तार और ताकत बढ़ जाएगी बल्कि दूसरे देश पर हमारी निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। देखिए यह रिपोर्ट। जिसकी धमक से दुश्मन थर्राता है, जिसकी रफ्तार से दुश्मन खौफ खाता है और जिसके वार से बचना नामुमकिन है, वो है इंडियन एयरफोर्स का खतरनाक योद्धा सुखोई 30। सुखोई 30 देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है। इसकी मौजूदगी ही दुश्मन को चेतावनी है कि किसी भी सीमा पर आग उठाकर ना देखे और अब अच्छी खबर यह है कि एयरफोर्स सुखोई 30 को अपग्रेड करने की अपनी योजना को अमली जामा पहनाने जा रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सुखोई 30 एमकेआई विमान के लिए इंजन खरीद को मंजूरी दे दी है। एचएएल 240 एरो इंजन भारतीय वायुसेना को देगा। इसकी लागत 26,000 करोड़ से अधिक होगी। एरो इंजन के इस्तेमाल से इंडियन एयरफोर्स अपने इस भरोसे के लड़ाकू विमान को अपग्रेड करेगी। इससे सुखोई 30 फाइटर प्लेन अगले 30 साल की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इस पूरे अपग्रेड में 63,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले फेज में 84 सुखोई विमान अपग्रेड किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इन लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को अचूक बनाने के लिए एआई और डाटा साइंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षा के लिए नई जरूरतों और नई तकनीक के लिहाज से सुखोई को अपग्रेड किया जा रहा है और जानकार मान रहे हैं कि इससे एयरफोर्स की ताकत में कई गुना इजाफा होगा। सरकार ने एक बड़ा फिनोमिनल डिसीजन लिया है जो देश की सिक्योरिटी के लिए और अपग्रेडेशन ऑफ मिलिट्री माइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एचएएल को एक ऑर्डर दिया गया है एरो इंजन्स के लिए, जिसका नाम है एएल 31FP। ये एक वो एरो इंजन है जो बिल्कुल सुखोई 30s को एक अलग दर्जे पर लेकर जाएगा। तकरीबन 240 इंजन्स का ऑर्डर दिया गया है, 2600 से 2800 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। फिनोमिनल डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने ऑप्ट किया है कि हम अपने खुद के मेक इन इंडिया जहाज बनाएंगे, तो जायज बात है कि उसके लिए एक अपग्रेडेड टॉप क्वालिटी इंजन होना सबसे बड़ी बात है। ये जो प्रोजेक्ट है तकरीबन आई एम टोल्ड के 55% के करीब टोटली इंडियनाइज होगा। बाकी सामान इसका इस समय ज्वाइंट वेंचर्स के द्वारा लिया जाएगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं कहता हूँ फिनोमिनल चेंज आने वाला है एयरफोर्स में और हमारी नेशनल सिक्योरिटी में। सुखोई 30 को दुनिया की बेहतरीन फाइटर जेट में शुमार किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि
इसमें सुरक्षा के हिसाब से जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। रूसी मूल के इस फाइटर प्लेन को 2002 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। इस वक्त एयरफोर्स के पास 260 से ज्यादा सुखोई 30 MKI है। सुखोई जमीन और हवा से एक साथ टारगेट पर अटैक कर सकता है। ये 8000 किलो के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे किसी भी तरह के हथियार से लैस किया जा सकता है और ये 3000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ट्विन सीटर और ट्विन इंजन वाले इस मल्टी रोल फाइटर जेट में हर तरह के हमले को अंजाम दिया जा सकता है और इसीलिए ये इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है। वायुसेना सुखोई 30 MKI को अगले 20 साल तक बेड़े में शामिल रखने की तैयारी में जुटी है। इसीलिए जेट में कई टेस्ट और बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मदद कर रहा है। इसको लेटेस्ट एवियोनिक्स हथियार और देश में तैयार हुए विरूपाक्ष रडार से लैस किया गया है। असल में पश्चिमी सरहद पर सुखोई सबसे मजबूत प्रहरी है। पिछले साल नवंबर में बाड़मेर एयरबेस पर तैनात MiG-21 की एक स्क्वाडन को सुखोई 30 MKI के स्क्वाडन से रिप्लेस किया गया था। अब वहां सुखोई की दो स्क्वाडन तैनात है। माना जा रहा है कि एरो इंजन लगने के बाद यह फाइटर जेट और दिखातक हो जाएगी। एरो इंजनों की पहली डिलीवरी एक साल बाद शुरू होगी और 8 सालों में सभी डिलीवरी पूरी कर ली जाएगी। शुभ खबर यह है कि इस इंजन में 54% से अधिक कंपोनेंट्स स्वदेशी होंगे, यानी इससे मेड इन इंडिया मुहिम को और बल मिलेगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 1,45,000 करोड़ से टैंक के लिए, आधुनिक कॉम्बैट व्हीकल्स और गश्ती जहाज समेत कई अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 10 प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है। इन रक्षा उपकरणों की लागत का कुल 99% हिस्सा भारतीय स्तर डिजाइन, विकसित और निर्मित है। इसके तहत भारतीय नौसेना को 7 नए एडवांस्ड स्टेल्थ गाइडेड फ्रिगेट्स मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये सभी नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स के युद्धपोत होंगे। इन पर बराक और ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात होंगी। इसके साथ ही वरुणास्त्र, टॉर्पीडो लॉन्चर, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे होंगे और नए फ्रिगेट्स पर ध्रुव और सीकिंग हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकते हैं। इसी तरह भारतीय सेना को भी नए नए हथियार मिलने वाले हैं। T-72 टैंक्स को बदलकर उनकी जगह फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी FRCV तैनात किए जाएंगे। करीब 1,770 FRCV तैनात करने की योजना सरकार की है। ये हथियार 60% स्वदेशी होंगे। FRCV में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा। ये टैंक ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा घातक होंगे, मिसाइलों से हमला करने में भी सक्षम होंगे और इनमें एंटी ड्रोन सेफगार्ड होगा। पुराने टैंक को छोटे छोटे आत्मघाती ड्रोन खत्म कर दे रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया में FRCV की डिमांड अब बढ़ गई है। सरकार ने डिसीजन लिया है और आर्मी में सबसे बड़ी एक अपग्रेडेशन जो होने जा रही है वो है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, जो कि टैंक्स को एक तरीके से रिप्लेस करेंगे या उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर, एडवांसमेंट के तौर पर देखा जाएगा। कॉम्बैट रेडी जो ये जो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं फ्यूचर के लिए, इसमें क्या चाहिए हमें? तकरीबन 1700 के करीब ये ऑर्डर करी जा रही हैं और स्टेट ऑफ आर्ट अपने आप में बनेंगी। और टैंक वर्सेस फ्यूचर रेडी जो कॉम्बैट व्हीकल है उसमें ज़रूरत क्या है? एजिलिटी की ज़रूरत है, सर्वाइवेबिलिटी की ज़रूरत है। भारत इस समय अगर जगता है तो अगले 10 साल में इसमें काफ़ी हद तक आगे जाएगा और आप देखेंगे कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो हमेशा एक्टिव रहते हैं उसकी एक डिमांड है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, उस बॉर्डर की हमारे लिए क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट भी है कि वो क्वालिटी में कैसे होने चाहिए टैंक। सो ऑब्वियसली अगर लिथैलिटी, सर्वाइवेबिलिटी, डिप्लॉयबिलिटी, इफेक्टिवनेस, एजिलिटी, ये सारी चीज़ों को जोड़ें तो ये हमें फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल में मिलती है। मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ा कदम है ये मैकेनाइज्ड फोर्सेस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ओवरऑल आर्मी को एक तरीके से मोबिलिटी देने के लिए एंड इफेक्टिवली हमारे नेशनल डिफेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा काम।
गवर्नमेंट और नेवी सचेत है कि यस उनको अपग्रेडेशन की जरूरत है। तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट निकाला गया है, प्रोजेक्ट 17 ब्रावो जैसे कहा जाता है, जिसमें आप 7 एडवांस स्टेल्थ वॉरशिप्स जो है उनको आप देखेंगे, साथ ही साथ आप देखेंगे कि नेवी के पास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी और तैनाती बढ़ेगी। अपने आप में नेवी के तरफ से सरकार बिल्कुल जागरूक है और बहुत रिस्पॉन्सिबली नेवी को एक स्ट्रैटेजिक फोर्स वैसे भी कहा जाता है और उसको स्ट्रेंथन करना हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो सी का जो जमावड़ा है एक तरीके से, उन सीज में जो चाइना का जमावड़ा है, पाकिस्तान का है, बाकी कंट्रीज का है, तो सी लेन्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है कि वॉर नेक्स्ट टाइम सी से ज़रूर होगी, क्योंकि सी का वॉरफेयर, समुद्र का वॉरफेयर अपने आप में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी पैदा करता है सुपीरियॉरिटी के लिए। आई थिंक इंडिया बड़ी संभल कर समझ के साथ इसमें आगे बढ़ रहा है और नेवी को स्ट्रेंथन कर रहा है। और अब आखिर में बात करते हैं तेजस की। देश में बने इस हल्के लड़ाकू फाइटर्स प्लेन की ताकत दुनिया की दमदार एयरफोर्स देख रही है और दंग है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के तहत तेजस जोधपुर में अपनी खूबियां दिखा रहा है। दुनिया के जाने माने फाइटर जेट्स के बीच ज्यादा चर्चा तेजस की हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास अभी लगभग 40 तेजस यानी LCA MK 1 है। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और ये अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, जो डिफेंस भी करता है और अटैक भी। ये 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, किसी भी मौसम में ऑपरेट कर सकता है, दिन हो या रात इसे जो टास्क दिया जाएगा उसे पूरा करके ही दम लेगा। हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल के अलावा विमान में 9 हार्ड पॉइंट बने हैं। फिलहाल भारतीय वायुसेना में तेजस के 2 स्क्वाड्रन हैं। 100 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर दिया जा चुका है। इसकी खूबियों को देखते हुए दुनिया के कई देश इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। यानी इंडियन एयरफोर्स के इस योद्धा की धूम दुनिया भर में है और इसकी क्षमताओं को तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे फेज में भी करीब से देखा, समझा और सैल्यूट किया जा रहा है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं निक शुभम आपसे आपकी शुभरात्रि की कामना के साथ देता हूं विदा। नमस्कार।